गर्मी बहुत है यार सऊदी अरेबिया में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ यार आपके साथ, मैं भूल गया हूँ सॉरी। अच्छा ऐसे ही वीडियो चलते रहने देते हैं, आपके साथ ऐसे ही शेयर करूंगा मैं आज। अच्छा बात कर लेते हैं इकामों के ऊपर। अच्छा इकामा एक्सपायर, 3 दिन के अंदर खरूज लग जाएगा जी आपका। यहां पर आपको स्क्रीन के ऊपर आपको मैं एक बड़ी ट्वीट करके दिखा रखा हूं, अखबार अल अजला की तरफ से ये ट्वीट की गई है। अल जवाजात अदम तजदीद हवे या मुकीम कबल तलात अयामन इंतहा यो अर्ज साहिबा अल ग्रामा अल वा अल इबाद फी हालत तकरार अल मुखालफा। देख लीजिए जी आपने, जवाजात का नाम लेकर ये ट्वीट की गई है। ट्वीट बिल्कुल सही की गई है, बहुत से बंदे इसको भाई समझ नहीं रहे हैं और आपको कुछ गलत ही समझा रखे हैं, या जो मेरे भाई अक्सर पढ़ते हैं तो बोलते हैं 3 दिन के अंदर भाई काम एक्सपायर होगा, 3 दिन का खरूज लग जाएगा, तो इसका चक्कर क्या है। यहां पर एक तस्वीर में आपको और दिखा रहा हूं, इस पर देख सकते हैं भाई आपने क्या लिखा हुआ है। पहली दफा काम एक्सपायर 500 रियाल जुर्माना, दूसरी दफा एक्सपायर 1000 रियाल जुर्माना, तीसरी दफा एक्सपायर आपका खरूज लगाकर आपको जब भी आप पकड़े गए आपको आपके मुल्क में भेज दिया जाएगा। सिंपल सीधी सी बात है, ये बात खत्म हो गई। लेकिन ये जो तकरीर है, ये जो ट्वीट है, इसके मुताबिक आपको ये बता देता हूं भाई मैं कि इसमें ये लिखा हुआ है कि 3 दिन, यानी कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हुए 3 दिन हो गए हो, यानी कि 3 दिन से ज्यादा टाइम जैसे ही गुजरेगा, तो पहली मरतबा आपको 500 ही होगा। दूसरी दफा यहां डिटेल नहीं लिखी गई है, बस दूसरी दफा आपको 1000 रियाल होगा जब दूसरा इकामा आपका शुरू होगा, और 3 इकामे जब एक्सपायर, यानी कि 2 खत्म हो गए, तीसरा जैसे ही शुरू होगा उस अराउंड में आप जितने माह भाई बचेंगे बचेंगे, जैसे ही आप पकड़े गए फिर आपका खरूज लगाकर आपको भेजा जाएगा। और वो भी ऐसे नहीं भाई, पहले आपको जेल में ये लोग दाल पिलाएंगे अच्छे से, उसके बाद भेजेंगे आपको एयरपोर्ट के ऊपर भी। ऐसे हाथों में हथकड़ियां लगाई होती है, तो ऐसे जहाज में जाकर बैठाकर हथकड़ियां खोलते हैं, सब आवाम देख रही होती है कि ये कोई मुजरम है, ये भी आपको क्लियर कर दूं मैं। तो ये ट्वीट ऐसी है जी, आपको इसके मतलब कोई किसी किस्म की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने एक काम में तजदीद करें, रिन्यू करें, यही बेस्ट है भाई। सऊदी अरेबिया में बहुत सख्ती हो रही है।